हो। आपको समझना है, कह रहा है कि जब बड़ा आया तो खा गए, छोटा आया तो दे दिया। इसका मतलब कह रहा है कि आज भी आप अर्पण में, कह रहा है कि समर्पण में, कह रहा है कि आप पीछे हैं, इसलिए कह रहा है परमेश्वर आपको वहीं का वहीं रखे हुए। मैं मान ही नहीं सकता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, रिसीव करने के बाद ब्लेसिंग उसकी डबल ना हो। मैं कह रहा हूं डबल नहीं, 100 गुनी होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना है, आपको फैसला लेना है। अपने पड़ोसी को पूछो कि आपका दिल, आप दिल खुलवाना है कि बंद करवाना है परमेश्वर से, परमेश्वर का दिल खुलवाना है कि बंद करवाना है। फैसला आपको लेना है कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, कैसे खुलेगा दिल। मैं फिर बताता हूं कि परमेश्वर से आपको अगर सीखना है तो सुबह उठना है, कह रहा सुबह उठकर प्रेयर करना है सबसे। मैं कह रहा हूँ 4 बजे आप उठो और प्रेयर करो अपने फैमिली के अंदर। ये 3 बातें फिर से आप राइट डाउन कर सकते हैं कि कैसे दिल खुलवाएं हम खुदा का। कह रहा कि आप सुबह उठें 4 बजे और प्रेयर करें। मुझे नहीं पता आप रात को कितनी लेट सोते हो कितनी नहीं। मैं आपको बताता हूं कि मेरे नौकर को, मेरे घर वालों को भी नहीं पता होता मैं सुबह सुबह चला जाता हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए चला जाता हूं। कई बार मैं बाहर चला जाता हूं प्रार्थना करने के लिए आपके सामने। कई बार मेरा दिल करता है मैं सारी रात भी प्रार्थना करता रहता हूं। परमेश्वर की प्लानिंग है। दूसरा कह रहा है फैमिली की वेदी, कह रहा है कि आपको पारिवारिक वेदी बनानी है, फैमिली प्रेयर करना है आपको। कह रहा है कि अगर आप आशीष चाहते हैं, कह रहा है तीसरा कह रहा है भेंट लेकर आना है उसके आंगनों में। मैं फिर कह रहा हूं आंगनों में। हम देखते भजन संहिता 96:8 में क्या लिखा, यहां पर लिखा क्लियर लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा किस बात से होती है, जब आप भेंट लेकर आते हैं परमेश्वर के सामने। इसका मतलब कह रहा है कि भेंट कोई पैसे की नहीं होती, भेंट वो भी है कह रहा है जब आप प्रार्थना करने के लिए भेंट गए हैं। कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करने गए, इसने उसने कहा कह रहा है जा पहले अपने भाई से भेंट कर, भाई से मेल मिलाप कर तब भेंट चढ़ाना, मत्ती की किताब में लिखा। इसका मतलब परमेश्वर भेंट लेना पसंद नहीं करता जब तक आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हो। इसका मतलब जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, कह रहा प्रार्थना करना भी एक भेंट है। कह रहा कि क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना करने जा रहा था और परमेश्वर ने उसकी भेंट नहीं लिया। आज हो सकता है आप भेंट लेकर आ रहे हो, आपकी प्रार्थना कमजोर हो, या फिर आप प्रार्थना करने आ रहे हो आप भेंट देने का आपका मन ना हो। आपको दोनों काम करना जरूरी है। यहाँ पर लिखा यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। इसका मतलब भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। ये आपने जब समर्पण किया, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चर्च के अंदर जब आए खाली हाथ आए। अगर आप कह रहे खाली हाथ आते हैं तो मैं कह रहा हूँ बाजार में जब जाते हैं, आप शादी में जब जाते हैं पैसे ठूस कर जाते हैं जेब में, लेकिन जब वहां पर जाते हैं आप चर्च में आते हैं बहुत सारे लोगों की जेबों में पैसे नहीं होते, एक दूसरे से मांग रहे होते हैं, शर्म की बात है। इसलिए पौलुस बोलता है कह रहा है कि वहां पर स्वर्गदूत नोट करते हैं, इसलिए कह रहा है कि मेरे आने से पहले चंदा इकट्ठा किया करो। अगर स्वर्गदूतों ने देख लिया तो कह रहा है कि उन लोगों के घर में आशीष नहीं आएगी, याद रखना। ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जो लोगों के काम बांझ पड़े हैं, मैं पैसा मांगने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। क्यों काम बांझ पड़े हैं? हो सकता है कह रहा है कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हो, पैसा आपके पास हो लेकिन आज भी ना खुली हो, आप लोन लेना चाहते हो खुल ना रहा हो, हो सकता है आप फॉरन का वीजा लगवा रहे हो आ ना रहा हो सकता है आप कोई बीमारी का इलाज करा रहे हो, छोटी सी बीमारी हो और आपको हल ना निकल रहा हो डॉक्टर से, याद रखना आज रात के बाद जब आप कहेंगे हाथ उठा करके परमेश्वर में तन मन धन से, परमेश्वर आज से तेरा आज्ञाकारी बना रहूंगा, अपने बच्चे अपने घराने को भी तेरे सामने अर्पण और समर्पण करता हूं, 2 टाइम 3 टाइम प्रार्थना करने आऊंगा मैं, परमेश्वर भेंट लेकर आऊंगा, मैं दसवां दूंगा अगर तू मुझे बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप ये बातें बोल रहे हैं आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मिराकल करने वाला है। यीशु मसीह नासरी के नाम में विश्वास है तो आज रात मिराकल होगा। देखो कह रहे हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने इतना ऊंचा क्यों उठाया? मैं कह रहा हूं कि दाऊद के और भी बच्चे थे लेकिन उसको ऊपर क्यों उठाया सुलेमान को? हो सकता है आपके घर में बहुत सारे बच्चे हों लेकिन वो बच्चा आज ऊपर उठेगा जो आज फैसला ले रहा होगा, जो फैमिली आज ऊपर उठेगी, जो विश्वासी वो ऊपर उठेगा, जो आज अर्पण और समर्पण का इस टॉपिक का मतलब समझ जाएगा कि परमेश्वर दर्शन किसको देना चाहता है। कह रहा किन लोगों को? जो भेंट के साथ आते हैं, जो लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, जो लोग सुबह उठते हैं परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं, कह रहा कि उनको दर्शन देना चाहता है परमेश्वर। यहाँ देखो पहला राजा 8:6 में कि यहाँ सुलेमान क्या कर रहा था, उसने 120,000 भेड़े कह रहा कि चढ़ाई, परमेश्वर का मंदिर जब बनाना था 120,000 और 22,000 उसने बैल चढ़ाए। और इसका मतलब क्या है? कह रहा है पहला राजा 8:6 में यहाँ पर सॉरी 63 में क्लियर लिखा कि सुलेमान ने मेलबली में यहोवा को चढ़ाए 22,000 बैल चढ़ाए और 120,000 भेड़े चढ़ाई। और उसके बाद देखो क्या हो गया, इसका मतलब भवन के लिए, किसके लिए? मंदिर के लिए। किसके लिए? उसका समर्पण था। जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हो ऊपर हेडिंग होगी इसकी कि मंदिर के लिए अर्पण, मंदिर के लिए समर्पण।
समर्पण, क्लियर लिखा है समर्पण, और वहां पर समर्पण इसका मतलब इसका समर्पण था कि अगर परमेश्वर तू मुझे एक बिजनेसमैन बनाए, अगर तू मुझे प्रसिद्ध फेमस राजा बनाए, तो परमेश्वर मैं समर्पण करता हूँ कि मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे लिए कामों को करूंगा। लेकिन अगर जब तक आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पण नहीं करते, बोलो परमेश्वर मुझे आइए अवसर बना, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा आज एक बड़ा बिजनेसमैन बना, मुझे आज एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बना, मुझे आज परमेश्वर ये कर। लेकिन आपका समर्पण क्या है परमेश्वर के लिए, तो वो जब ही करेगा, जब भी वो आपकी ओर ध्यान करेगा। वो नहीं देखता, वो संसार में बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए कुछ बातें कह रहे होते हैं तो परमेश्वर की नजर उनके ऊपर गड़ी होती है। याद रखना, अगर आज इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं आप चाहे हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, आसाम से, यूपी से, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब से, कहीं से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर की नजर आपके ऊपर हो रही है। बेशक चाहे आप पाकिस्तान, यूके से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कंट्री, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, लेकिन आज रात अगर आपने हाथ उठाए और कहा परमेश्वर कि मैं आज सुलेमान की तरह समर्पण करता हूं, परमेश्वर अगर तू मुझे ये दे पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों को ये बनाए, मैं आज से आशीषें स्वर्ग से अपनी लेकर जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आज से समर्पण करता हूं, मैं खुदा तेरे लिए चढ़ाऊंगा, मैं तेरे मंदिर को बनाऊंगा, तेरे भवन को बनाऊंगा। अब आपको फैसला लेना है कि आपको किस मिनिस्ट्री में कहां पर क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, ये आपको करना है। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, जब सुलेमान की बात को देखा तो उसी समय पहला राजा, उसी के नौ चैप्टर में हम देखते हैं, इसी के सेकंड में हम देखते हैं, यहां पर लिखा जब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। देखो कितनी बड़ी बात है, जब उसने ये बात कही और परमेश्वर ने कहा अच्छा समर्पण कर रहा है, पहले भी इसको गिबोन में दर्शन दिया और फिर दोबारा भी इसको दर्शन दिया। इसका मतलब आज लोग बोलते हैं कि यार पहले मुझे पास्टर क्या, विश्वासी क्या, कलीसिया के लोग क्या। आज विश्वासी बोलते हैं कि पास्टर जी पहले मुझे दर्शन आते थे, अब पता नहीं मेरे दर्शन ही बंद हो गए। मैं कह रहा हूं क्यों बंद हो गए आपके दर्शन, कह रहा कि आपको सुबह उठना है, आलस नहीं करना। व्यवस्था विवरण में लिखा जो परमेश्वर का काम आलस से करे श्रापित है वो व्यक्ति। आपको सुबह उठना है, अपनी वेदी को तैयार करना है, परमेश्वर की वेदी को तैयार करना अपनी फैमिली में। अय्यूब क्या करता था, जब आप उसका 1:5 पढ़ते हैं तो वहां पर वो कह रहे कि वो लेकर आता था अपने बच्चों के लिए भेंट लेकर बैठता था प्रार्थना में, बीज में। जैसे आप वीरवार सुन रहे हैं, अभी भी आप अपने गूगल पर अगर आप लेकर बैठे कि मैं अकाउंट्स में बो रहा हूं, मैं बीज बो रहा हूं, मैं इसी से मैं हाथों में लेकर बैठ रहा हूं अपना दान, अपना भेंट, जब संडे जाऊंगा वीरवार का दान भी चढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है अपने लोगों को, जो लोग दशमांश में ईमानदार हैं परमेश्वर उनका घर बसाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग परमेश्वर के कामों में, कह रहा हूं कि मैं देख रहा था परमेश्वर तूने 10% क्यों दे रहा है, ले रहा है इनसे, तू 100% 50% क्यों लेता। परमेश्वर जानता है कि वो सारे लोगों के मनों को जानता है, इसलिए आपके कामों को जानता है, इसलिए उसने कहा 10%। इसलिए हर धर्म के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि दशमांश देना जरूरी है। यहाँ पर लिखा आकाश के झरों के खोलूंगा, अपरम पाराशीष की वर्षा करूंगा। किसमें, मलाकी के 3:10 में क्लियर लिखा, 11 में लिखा कि मैं तुम्हारे देश को मनोहर देश कर दूंगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब यहाँ पर सुलेमान ने फैसला लिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हो सकता है, कह रहा है कि जब आप कह रहे कि अपने माइंड में आज चौड़ा कर लो अपने माइंड को परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा क्या कोई माइकल, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ आपके तंबू को चौड़ा करना स्टार्ट करेगा, वो दर्शन देगा आज रात आपके घर में। मैं कह रहा हूँ कि आपकी आशीषों को चौड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां पर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, आज रात के बाद भविष्यवाणी करता हूँ कि इस साल के एंड में जिन लोगों ने फैसला लिया कि परमेश्वर में तेरे कामों में अर्पण और समर्पण करता हूँ, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आप जाओ और उसी समय टेंट लगाने की सेवा करो, आप कोई ना कोई सेवा करके दिखाओ चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर अर्पण और कई समर्पण का आदर करता है लोगों का। याद रखना इस साल के एंड में आपके घर में एक बड़ी खुशखबरी की खबर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप सपनों का महल बनाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये परमेश्वर का वायदा है। याद रखना आप सपनों का महल अपना बनते देखेंगे। मैंने क्यों कहा एंड में, भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूँ, मैं वचन से ये साथ कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी माता को कहा था, कह रहा कि दाखरस जब घट गया, कहता है कि एंड का जो एंड का था वो उससे उत्तम था। इसका मतलब अंत के दिनों में, कह रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, लेकिन आपके पास आनंद के दिन होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, फैसला आपको लेना है। यीशु मसीह का दर्शन चाहिए कि आज रात भूतड़ियों का दर्शन चाहिए। बहुत सारे लोग फिल्म देखकर सोते हैं, समर्पण नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का समर्पण है, परमेश्वर मैं सोने से पहले बाइबल के 2 पेज पढ़ूंगा। एक स्पीच नाम का एक आदमी था, उसने कहा परमेश्वर कि मैं 7 पेज हमेशा, केरला का एक आदमी, इंडिया में से पैदा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ
कि सात नाम कहता सात पेज पढ़कर परमेश्वर घर से बाहर निकलूंगा, समर्पण है ये, सात पेज पढ़कर सोया करूंगा। और परमेश्वर ने उसको कह रहा है कहां 5 रुपए दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे उसके पास, और परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता किया और वो 7 शिप दहेज में लेकर आई पानी के। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपनी जिंदगियों में कह रहा है कि जब तक आप कुछ करना नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपके लिए दिल नहीं खोलने वाला। अगर आपको दिल खोलना है परमेश्वर के लिए और अर्पण और समर्पण है, मैं कह रहा हूं कि मुंह खोलो परमेश्वर के लिए, आप क्या करना चाहते हो, आप प्रार्थना में बताओ परमेश्वर से क्या मांग रहे हो। बहुत सारे लोग अपने अंदर ही रखते हैं बात, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मुंह खोलें। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे आज रात मिराइकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हम उत्पत्ति के 14:20 में देखते कि अब्राहम ने आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लोगों को बताएं क्यों उनके काम बंद है। बहुत बार हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हम उस पर कमिटमेंट पर खड़े नहीं उतरते। यहाँ पर लिखा उत्पत्ति की किताब 14:20 में जेनेसिस चैप्टर में हम देखते हैं 14:20 में कि यहाँ अब्राहम ने जिस दिन मलिसिदिक को करे के दशमांश दिया उस दिन से परमेश्वर ने हीलिंग का गिफ्ट दिया उसको अब्राहम को। और उसी समय अबीमेलेक की पत्नी किसके द्वारा, कह रहा है कि अब्राहम के द्वारा चंगी हुई। मैं उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ जो पास्टर लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर पास्टर लोग ये विश्वास करें इस बात के लिए कि ये मिस्ट्री मेरे लिए आशीष का कारण है, मैं कह रहा हूं आप कहीं वर्ल्ड से मुझे देख रहे हो जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैं कह रहा हूं अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप अपना सेवकाई का 10वां हिस्सा अगर यहां डाल कर जाएं, मैं कह रहा हूं कि आपकी हीलिंग कह रहे कि जबरदस्त अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर सेवक क्या क्या था, अब्राहम कोई पास्टर नहीं बनना चाहता था, ये एक बिजनेसमैन था, इसके पास 1000 कंपनियों का मालिक था ये भेड़ों की। मैं फिर कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया। आज हो सकता है कह रहा आप काम करते हैं, काम के साथ साथ आप सेवा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर गिफ्ट देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि जब दशमांश देने का फैसला लेते हैं क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग प्लेस को चुना है। जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, तो आप अभिषिक्त के साथ नहीं जुड़ रहे, आप उस टहनी के साथ जुड़ रहे हैं जो यीशु मसीह ने बनाई है, और आप फलवंत होंगे। यूहन्ना 15:4 में लिखा कह रहा है कि जो टहनी पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी फलवंत हो जाएगी। आज आपको फैसला लेना है कि जुड़ना है कि टूटना है, जुड़ना है कि टूटना है। बहुत सारे लोग आकर तोड़ देते हैं आपको, बोलते हैं कि नहीं 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 इन मिस्ट्रियों के पास तो बड़ा पैसा है, आपको यहाँ पर नहीं देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मिस्ट्रियों के ऊपर बोझ होता है परमेश्वर का। बाइबल में लिखा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। इसका मतलब कि वो हिसाब हमें देना है, आपको नहीं देना, कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। बैंक मैनेजर अगर अपने भाइयों को लोन देने लगे तो पकड़ा जाएगा। आपको समझना है यहाँ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जिसने हमें दिया है हम उस चीज का आदर करते हैं, और हम उस बात के लिए हम सही टाइम पर सही जगह पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोगों की मदद करते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि हर हाथ से परमेश्वर लेना भी नहीं चाहता। याद रखना कि हर एक हाथ परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आप जहां जहां चढ़ाते हैं, अगर आप कह रहा उपजाऊ भूमि में बीज बो रहे हैं तो याद रखना फसल बाहर आएगी, अगर आप बंजर भूमि में बो रहे हैं तो फसल बाहर नहीं आएगी, आपके अंदर है, आपकी गवाही आएगी। यहाँ पर ऐसे नहीं गवाही आती। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग दोष लगाते, कमेंट्स भेजते, कुछ अलग अलग बातें करते, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि आप अपने मुंह बंद करो, नहीं तो शैतान आसपास आपके घूम रहे खुद। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर खुद शैतान को अवसर करने के लिए देगा और आपके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए खास कह रहा हूँ कि अपने दिनों को खत्म ना करो, परमेश्वर आपकी लंबी आयु करना चाहता है। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं बताता हूँ कुछ लोग बोलते हैं मैंने दान दिया, भेंट दिया, दशमांश दिया, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर समस्या पीछे से आती है। याद रखना कि यहाँ पर हम पढ़ते, मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पर देखते जिन लोगों के क्वेश्चन है उनके मैं क्वेश्चनों का उत्तर दे रहा हूँ कि अब्राहम ने जिस दिन से कह रहे कि अपना दिल खोला कि इसमें अभी मलिसिदिक की मिस्ट्री में बीज बोता हूँ, दशमांश देता हूँ, उस दिन से परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आपने अपने अंदर ये फैसला लिया बोने का, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई माइका लाल रिच होने से नहीं रोक सकता, आपकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, आशीषित कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आपको जो मुझे देख रहे हैं, कह रहे हैं इस साल के एंड में दिसंबर खत्म होने से पहले आपके घर आशीषों का ढेर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 21:1 में एक जगह 3 साल अकाल पड़ गया, और उसी समय दाऊद के शासन के अंदर जब वो अकाल उसने मार झेली दाऊद ने, तो उसी समय प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो यहाँ पर लिखा कह रहा यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसकी खरान उसके खूनी घराने के कारण हुआ है क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। क्योंकि यहाँ पर शाऊल ने परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने जो है एक समर्पण किया था
कि मैं आज के बाद गिबोनियों को नहीं मारूंगा, मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन इसने फिर वही काम कर दिया और परमेश्वर ने उनके कामों को बांध दिया और उस देश में ना फसल पैदा हुई, ना पानी मिला, ना कुछ नहीं मिला, क्योंकि 3 साल अकाल पड़ा रहा। और उसी समय दाऊद जो है उनके लिए प्रायश्चित करने लगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आपके घर में, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हों। मैं एक गवाही बता रहा हूँ, एक आदमी गोवा से आया था मेरे पास और उसने मुझे कहा कि हमारे पास, हमारे दादे परदादों से हम बड़ा तंग है, हमारे पास बहुत पैसा होता था लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपके दादे परदादों में से किसी ने, कह रहा है कि कोई जमीने, कह रहा है कि किसी की कुछ बातें की कि हम ये दे देंगे और वो दिया नहीं, और कोई झूठे साइन कराकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ खून भी हुए हैं, कुछ हत्या भी हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। उसने मुझे बताया कि आप सच कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे, कह रहे हैं कि कुछ लोगों के, गरीब लोगों की जगह को मार लिया करते थे, साइन करा लिया करते थे, पैसा रख लेते थे और कुछ गलत काम भी हो जाते थे और लड़ाई झगड़े भी होते थे, खून बहा हुआ है। मैंने कहा वो गरीब आदमी का खून, कह रहे कि तेरे दादे ने चूसा है, उसका पलटा परमेश्वर ले रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ इसलिए अकाल पड़ा है, आपकी पीढ़ियों पर शराब पड़ा है, इसलिए कह रहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल को कह रहा कि उस समय में बता दिया कि दाऊद को कि देख दाऊद के तेरे घराने में क्या हो रहा है, तेरे घराने में, कह रहा शाऊल के घराने से ये चल रहा है, शाऊल के बाद तू राजा बना है दाऊद, लेकिन इस समय दाऊद ये देख ये प्रॉब्लम कहां से आई है। इसलिए इसराइलियों के ऊपर दंड आया, इसलिए कि आज हो सकता है, कह रहा कोई भी जन यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और उसके जीवन में कोई समस्या हो, अकाल पड़ा हो, आपके घर में एक भी आशीष ना हो। सकता है आपने बहुत बोया, आपने बहुत प्रार्थनाएं की, आपने बहुत कुछ किया, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने सबका भला किया, लेकिन फिर भी आपकी आशीष रुकी हुई है। तो आज रात मैं आपके लिए हाथ उठा रहा हूं, आपके लिए प्रायश्चित कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित कर दिया है। याद रखना यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर आपके लिए प्रायश्चित किया। आज से जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मैं माफी मांगता हूं, जो भी मेरे गुनाह दर पीढ़ी दर जो चले आ रहे हैं, जो भी कोई हमारे जीवन से आ रहे हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बात के लिए अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से अपने घराने के समेत अपनी देह प्राण आत्मा के साथ इस समय पवित्र आत्मा आपके चरणों में समर्पित करता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं, पवित्र आत्मा आज से आपके घराने पर आशीष देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस पर आशीष आने लगेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में हर एक आशीष आज से स्वर्ग से रिलीज होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो आज पवित्र आत्मा से, आज इसी समय आपको माफी मांगने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज जो लोगों ने समर्पण करने के बाद, कह रहा कि आज बड़ी बातें डिमांड करने के बाद, मन्नत मांगने के बाद कोई ठुकरा दी है, कोई कह रहा है कि आज परमेश्वर को, आपने जब लोगों को काम खुलवाने होते हैं, जब दिल खुलवाना होता है तो लोगों को बोल परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा और परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, और वो शराब फिर पीने लग जाता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से काम खुलवाते हैं, परमेश्वर मैं तुझे इतना भेंट चढ़ाऊंगा लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, लेकिन जब उसका काम हो जाता है फिर वो भेंट चढ़ाना बंद कर देते हैं, फिर वो परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं, परमेश्वर कि मैं दशमांश दूंगा, परमेश्वर तो मेरा काम कर, लेकिन उसी समय फिर वो जब पैसा आ जाता है दशमांश कोई मजबूरी शैतान सामने ले आता है और उसी समय दशमांश देना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अर्पण और समर्पण किया सेवकाई के अंदर कि परमेश्वर मैं किसी से 10 रुपए भी नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं आपने अर्पण और समर्पण किया, परमेश्वर अगर तू मुझे बिजनेस दे तो परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाऊंगा। सुलेमान ने जो कहा उसे पूरा किया, सुलेमान ने की तरह अगर आज आप पूरा करने के लिए तैयार हैं, मैं फिर कह रहा हूं आज ऐसे लोगों को परमेश्वर, मैं कह रहा हूं उनके सपनों का महल आज रात मैं नहीं आप भी बनते देखेंगे।